सीरियल भाग्य लक्ष्मी में हो रही है लक्ष्मी और ऋषि की शादी, जहां खुशियों का माहौल है, सारे लोग खुश हैं। लेकिन खुशी के समय पे ड्रामा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए तो मलिष्का पहुंच गई है लक्ष्मी और ऋषि के शादी में ड्रामा करने के लिए। लेकिन ये ड्रामा लगता है मलिष्का पे ही भारी पड़ गया, क्योंकि ड्रामा करने के चक्कर में लक्ष्मी ने मलिष्का को लगा दिया थप्पड़ और उस पे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। पर अब वो अपने पे इल्ज़ाम हटाने के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए मलिष्का अग्नि परीक्षा देगी, क्योंकि उसका ऋषि के लिए प्यार का पागलपन तो हम सब जानते हैं। वेल, अब इस चक्कर में सोनिया का क्या कहना है, ये हम उन्हीं से ही जान लेते हैं। ड्रामा तो होते ही है डेली, तो मैं आज भी फिलहाल कुछ ड्रामा ही चल रहा है, पूरा ड्रामा के बारे में जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुआ और क्या हुआ। तो आज का ड्रामा ये है कि लक्ष्मी थोड़ी सी बीमार है, वो अनकॉन्शियस थी, बट अब उनकी शादी हो रही है, मम्मी ने खुद अलाउ किया है उनकी शादी होने के लिए। और मलिष्का को देख के वो थोड़ी सी वापस ऑफ हो जाती है और मलिष्का पे ये इल्ज़ाम लगाती है कि उसने ऋषि भाई और लक्ष्मी को मारने की कोशिश की। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम है, जिसको सुन के हम सब घर वाले बहुत शॉक्ड है। और पहली बार बुआ, मैं और मॉम दोनों मलिष्का पर शक कर रहे हैं और मलिष्का से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो अब मलिष्का को ये प्रूफ करना है कि उसने ये हरकत की है या दोबारा ये लक्ष्मी एक झूठा इल्जाम लगा रही है ऋषि भाई को पाने के लिए। पर ये पूरा सच्चाई किस तरह से सामने आने के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रहा है? देखो, अब लक्ष्मी ने तो एक इल्जाम लगा दिया है एज यूजुअल, मलिष्का इस चीज को डिनाई कर रही है, लेकिन हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं मलिष्का ऋषि भाई को पाने के लिए हदें पार कर देती है। तो इस बार उसने एक हद ज्यादा एक लेवल नॉच ऊपर जाके उसने ये चीज़ की है, जिसके वजह से फैमिली वाले उससे थोड़ा नाराज़ है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उसे बहुत सारे थप्पड़े पड़े हैं आज। तो अब मलिष्का ने कहा है कि वो एक अग्नि परीक्षा देगी और वो ये साबित करेगी कि वो सच्ची है अग्नि में हाथ डालकर। तो अब हम सब वेट कर रहे हैं कि ये करने के बाद क्या रिजल्ट आता है और फिर हम डिसाइड करेंगे कि मलिष्का के साथ क्या करना चाहिए। जैसे कि अग्नि परीक्षा की आपने बात की करी है, तो इट इज लाइक ये परीक्षा तो भगवान ने भी पहले दिया है। करेक्ट, सीता माता ने ये परीक्षा दी थी राम जी के कहने पर और वो तो पार कर गई थी, बट हमारी मलिष्का क्या सीता जैसी है या नहीं है वो इस परीक्षा के बाद पता चलेगा। अगर सोनिया से पूछेंगे तो उनका क्या पॉइंट है? देखो, मैं तो ये मानती हूँ कि अपने प्यार को पाने के लिए इंसान बहुत सारी हदें पार कर देता है। अगर मलिष्का की जगह मैं भी होती तो मैं भी पार कर देती। वैसे तो मलिष्का पर मुझे थोड़ी बहुत दया भी आती है, क्योंकि इनिशियली वो उसी ने अलाउ किया था ताकि लक्ष्मी इस घर में आए और ऋषि भाई का ये दोष ये सब दूर हो जाए। तो आई तो हैव अ लिटिल बिट ऑफ सिंपैथी एंड एम्पैथी फॉर मलिष्का, एंड आई होप उसका वो साइड भी दिखे बाहर, क्योंकि यार प्यार के लिए इंसान कुछ भी करता है। तो मेरे लिए तो मैं इसे माफ़ कर दूँगी। फेस्टिवल चल रहा है, सेलिब्रेशन है, तो आउटफिट ऑब्वियसली आउटफिट के बारे में जानना चाहेंगे कि कितना पर्सनली आपको अच्छा लग रहा है, काफी यूनिक भी लग रहा है। ओके, देखो मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। बस ये आउटफिट्स का एक प्रॉब्लम है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा कट्स होते हैं इस आउटफिट्स में। इट लुक्स ऑल ग्लैम एंड ऑल डॉल्ड अप, वी लुक ऑल प्रिटी ऑन स्क्रीन, बट अंदर से हम इतने दर्द और ये सब सहते हैं टू लुक दैट प्रिटी ऑन स्क्रीन। सो आई एंजॉय द क्लोथ्स, बट इफ इट्स ओनली फॉर अ डे और टू, बट अब ये लंबी कंटिन्यूटी चलने वाली है। तो हम मैं तो बस ये बताना चाहती हूँ, देखो आपके लिए हम इतना रेडी होते हैं, इतने अच्छे आउटफिट्स पहनते हैं, इतना सब दर्द है कि बस आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहो और हम और ऐसे प्रिटी लगते रहेंगे। लास्टली क्या कुछ स्पॉइलर देना चाहेंगे अपकमिंग ट्रैक को लेकर? यार देखो, मैं ना स्पॉइलर्स में बिलीव नहीं करती, मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम देखते जाएंगे और सब कुछ अच्छा चलता जाएगा। स्पॉइलर मुझे नहीं देना। थैंक यू।